आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ना सेरुक हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अगर हनुमान चालीसा की इस चौपाई को आप मंत्र समझ के भी रोज पाठ करते हैं तो आपके जीवन से रोग संकटों का नाश हो जाएगा और मन क्रम वचन और वाणी से आपको ये एकदम शुद्ध होकर करना होगा ताकि आपकी पुकार हनुमान जी तक पहुँचे। जय हनुमान, जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गंग गणपतये नमः। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 20 फरवरी 2024 के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में अहोरात्र और नक्षत्र है राहु का आराध्रा, दोपहर 12:12 तक, उसके बाद गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु। आज जया एकादशी है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे शनि के अस्त हो जाने से और क्या बढ़िया से बढ़िया फायदे हो सकते हैं सभी राशि वालों को। मेष राशि, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपके बच्चों का ज्ञान मार्ग खुलेगा, वीजा लग सकते हैं, फटाफट वीजा लगवाइए और फटाफट पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए, मित्रों से सहयोग लीजिए, काम काज या नौकरी के लिए आगे बढ़े। वृषभ राशि, आपके लिए अब देखिए माता पक्ष की तबीयत अच्छी, घर की सुविधा ठीक, आपके घर में वाहन आने के प्रयोजन, आपके घर में आराम मिलेगा। अब आपको मिथुन राशि, यात्रा पर निकलेंगे तो खूब काम हो जाएंगे, आराम से जा सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसे काम जो छोटे भाई बहनों के साथ मिलके करने थे या उन्हें करने थे दोनों ही हो जाएंगे और उनकी तबीयत भी अच्छी होगी। कर्क राशि, कुछ काम है जो आपके परिवार से मिलके करने थे, संचित धन को बढ़ाना था, गहने खरीदने थे या पैतृक संपत्ति के गहने थे, जो भी था आपका संचित धन बढ़ेगा और बोलने चालने में आपका कड़वाहट खत्म हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए आप आश्वस्त हो जाएंगे पर्सनालिटी को लेकर, तबीयत खराब थी वो बेहतर होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा और आप फिर से अपने वोग में आ जाएंगे। कन्या राशि, आपके लिए देखिए विदेश रिलेटेड काम आप फटाफट बनेंगे, आपके कुछ काम जो प्रेम संबंध के साथ मिलके बनने थे वो भी बनेंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा और आप अब वीजा वगैरह लगा सकते हैं। तुला राशि, शनि अस्त हुए इसका आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा कि धन आना शुरू होगा, पैतृक संपत्ति और केसेस वगैरह से मुक्ति मिलेगी और साथ में बड़े भाई बहनों से सहारा मिलेगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए पिता से सहयोग आपको मिलेगा, आपके पिता की तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी, आपके काम का सरकारी दरबारी जो अटके हुए थे वो भी शुरू हो जाएंगे। धनु राशि, आपके लिए जो काम अब आपके अटक ही गए थे, आपको कुछ आगे बढ़ने ही नहीं मिल रहा था तो वो भी काम आपके बढ़ेंगे, काम वो भी बढ़ेंगे जो यात्राओं में जाकर करने थे और अब आपकी यात्रा थोड़ी सुखद होगी तो कामकाज शुरू करिए। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए तबीयत पहले से अच्छी हो जाएगी, कुछ न कुछ ऐसा काम जो आपका व्यवसाय का ससुराल पक्ष के साथ होना था, कोई संचित धन मिलना था, कोई गड़ा हुआ धन मिलना था, आकस्मिक कुछ अच्छा सूझना था साइंटिस्ट को, सूझेगा और काम बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। कुंभ राशि, आपके विवाहित जीवन का कलह क्लेश खत्म होगा, आपके पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के साथी मिलकर बड़ा काम शुरू कर सकते हैं और सरकारी दरबारी काम भी बनेंगे, हालांकि शनि आपके लग्नेश है लेकिन फिर भी वो इन कामों को रोके हुए थे। मीन राशि, आपके लिए कुछ काम थे जो आपके विरोधियों के उठ खड़े होने की वजह से नहीं हो रहे थे और आपके कुछ काम थे जो आपको सरकारी दरबारी दफ्तरों में लोन्स लेकर बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार निपटाने थे, फटाफट निपटेंगे अब, मामा पक्ष से सहयोग और नौकरी वगैरह भी लग सकती है। हर राशि की कभी न कभी ढैया लगती है और जैसे ही ढैया लगती है, साढ़े साथी लगती है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है किसी न किसी क्षेत्र को लेकर, कोई न कोई कारण को लेकर, कोई न कोई भाव को लेकर। क्या करना चाहिए ऐसे में? सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात।
मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगल और शुद्ध बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी और ढैया में प्रथम चरण में क्या करना चाहिए। अब ये लंबा चलेगा आपके साथ मेरा टॉपिक, तो सुनते रहिएगा जरूर, रोज बताऊंगी शनि की साढ़े साथी और ढैया में क्या करना चाहिए। तो प्रथम चरण में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले शनि महाराज बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रह हैं, उनको नहीं पसंद कि आप जो है इम्प्रैक्टिकल होकर सोते रहें, आराम करें, काम ना करें और आलसी हो जाए, फिर वो आपको कुछ नहीं देते, चाहे वो उच्च के हो जाए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो आपको बुरा असर देते हैं। तो प्रैक्टिकल पहले हो जाइए, इधर उधर भागिए नहीं, घबराइए नहीं, सलाहें मत लीजिए, जो काम करना है उसको अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। ज्योति जी दिल्ली से लिखती हैं, पिछले 6 महीने से नौकरी नहीं है। अब सभी को काम की समस्या है, देख लीजिए। अब इसमें कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार अपना सबसे बेस्ट कर लीजिए कि सामने वाला आपको निकाल ही ना सके, आपके काम के अलावा उसका काम ही ना चले। इतना ज़्यादा अच्छा स्किल रखें और फिर भी अगर नौकरी जाती है तो समझिए आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। नंबर दिया है आपने 7 और उस नंबर के अनुसार आपकी नौकरी लगी ही लगी 1 से 2 महीने के अंदर। अगर फिलहाल अभी चाहिए तो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो जगहें हैं वहां पर जाकर आवेदन भरिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, अदरवाइज 2 महीने में लग जाएगी। हो गया जिनके समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।